विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। पहली बार आईपीएस के 8 पाठ्यक्रम भी सीयूटी के एग्जाम में होंगे शामिल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्नातक के पाठ्यक्रमानुसार सीटें जारी हो चुकी हैं, यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीजी विषम सेमेस्टर की भी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और साथ में यहां पर प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आईपीएस केंद्र सहित संचालित होने वाले स्नातक स्तर के 8 पाठ्यक्रमों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी के तहत प्रवेश देने की तैयारी शुरू की गई है। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, सोशल मीडिया से दूरी अच्छे नंबरों के लिए ज़रूरी है। 10वीं और 12वीं के जो परीक्षार्थी हैं उनके तनाव को दूर करेगा ये काम। आइए जानते हैं थोड़ी सी एक नज़र। स्कूलों के 10वीं और 12वीं के अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, ऐसे में बच्चों में परीक्षा का तनाव होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि कनेक्टिविटी और एक्टिविटी लर्निंग न्यू थिंग्स मॉड्यूलफुलनेस थिंग्स की मंत्र परीक्षा के तनाव को दूर कर सकता है। मोतीबाग स्थित नानकपुर में सर्वोदय स्कूल के मंगलवार को एम्स के मनोवैज्ञानिक नंद कुमार ने छात्रों को तनाव मुक्त मंत्र देने का बात कही और कहा कि इस मंत्र को प्रतिदिन अभ्यास करने से तनाव होने वाले जो स्वीकारना है, सही खाना पीना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना, ये सब चिंता के कारण हैं, तो इस एक्टिविटी से आपको दूर रखना है। इन्होंने कुछ काम बताया है, जैसे आपको बताया है कि परीक्षा की तैयारी के समय बोरियत होने पर तनाव हावी होने लगता है, ऐसे में अपने किसी न किसी से कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, या फिर आपका जो बहुत सगा संबंधी हो जिससे आपको बात करने में अच्छी लगती हो आप उससे बात करें, आपका तनाव दूर हो जाएगा। हालांकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसमें जो इनके अनुसार कहा गया है आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही कि सेंटर का पता नहीं और 15 फरवरी से होनी है परीक्षाएं। स्थिति साफ नहीं होने के कारण गृह परीक्षाओं को लेकर खड़ा हो चुका है संकट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जिले के स्कूल में फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की शिथिलता के कारण स्कूलों के सामने बोर्ड परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी हो चुकी है और इसके अनुसार 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत होनी है। ये हालांकि आप रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक और 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 से 3 लाख रुपए में हुआ था सौदा और एसपी अमित सांझी ने बताया कि परीक्षार्थियों के माता पिता इसी गिरोह के सदस्यों के सौदा किया था। ये पूरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। अगली खबर की बात करें तो कर्मशाला अनुदेशक का साक्षात्कार 14 से होगा और पूरी परीक्षा में 177 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान निरीक्षक के 55 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी प्री परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSSC ने मंगलवार को जारी कर दिया। इसमें 177 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और अभ्यर्थी अब मुक परीक्षा देंगे और उसमें सफल होने पर अंतिम रोज से चयनित किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो यही आपके स्क्रीन पर। परीक्षा एजेंसियों पर बढ़ रहा है साल भर गिरोह का खौफ। प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरी का भर्ती परीक्षाओं में सेधमारी का प्रयास करने वाले नकल माफिया पर एसटीएफ का शिकंजा तो कसा है, लेकिन सालभर गिरोह का खौफ भी कम नहीं हुआ है। परीक्षाओं का संचालन कराने वाली बड़ी कंपनियां विशेषकर सालभर गिरोह की सक्रियता के चलते अपने पांव पीछे खींच रही हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं के संचालन को चुनौती बढ़ गई है और यूपी पुलिस ने वर्ष 2021 में अब तक सबसे बड़ी दरोगा भर्ती कराई थी, जिसमें 9,534 पदों के लिए हुई थी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सालभर गिरोह भी सक्रिय रहा था और परीक्षा में गड़बड़ी का प्रयास करने वाले कई गिरोह दबोचे गए हैं। वहीं पर इससे पूर्व UPTET परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। वर्तमान में यूपी पुलिस को प्रस्तावित सिपाही के लगभग 36,000 पदों के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हो पा रहा है और बीते दिनों में कोई संस्था परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। हालांकि आप स्क्रीन पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 503 चिकित्सा शिक्षक और भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। 8 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के खाली पड़े पदों के लिए आवेदन शुरू है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मार्च तक 503 चिकित्सा शिक्षक मिल जाएंगे। इससे राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 45 असिस्टेंट प्रोफेसर चुने गए हैं, जबकि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 458 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर, सीजीएल 2022 में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर होगी भर्ती।
प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग SSC के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2022 भर्ती में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और SSC के इतिहास में पहले कभी CGL में इतने अधिक पदों पर भर्ती नहीं हुई थी। आमतौर पर CGL में 8,000 से 9,000 पदों पर भर्ती होती थी। आयोग ने रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसके टीयर 1 का परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है। टीयर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च को प्रस्तावित की गई है। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर पवन और मनोज तिवारी के विवाद को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, हालांकि इन सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।